नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSC उड़ान पर। आप लोगों को जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं डेली दो लेक्चर लेके आता हूँ। एक 11 से 12 के बीच में इंग्लिश का लेक्चर लेके आता हूँ और दूसरा मेरा 3 बजे पॉलिटी का लेक्चर आता है। आज मेरा पॉलिटी का 3rd लेक्चर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर आप लोगों ने मेरे 2 लेक्चर और नहीं देखे तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन 2 लेक्चरों को देख सकते हैं। गाइज, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो गाइज उनको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें काफी बार एग्जाम में जो रिपीटेड होती है मैं उन्हीं फैक्ट्स को करा रहा हूं और गाइस आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है मेरे इस YouTube चैनल से। आप लोग इससे जुड़ने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि दूसरों को भी ऐसा ही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए तैयारी के लिए, तो आप लोग मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं गाइस। ठीक है, मैं बिना देरी किए अपना लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। हम लोग पहले से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमने संविधान सभा के गठन की किसने मांग की थी, फिर सदस्य के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कब कब कौन कौन सी मीटिंग हुई थी। गाइज एक बार मीटिंग को याद कर लीजिए क्योंकि काफी बार वो रिपीट होती है। फर्स्ट हमारी मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, एंड सेकेंड हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। एंड थर्ड हुई थी हमारी 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कुछ फैक्ट्स पढ़े थे, इंपोर्टेंट फैक्ट्स पढ़े थे जिसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। संविधान निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए थे गाइज, हमारे 11 अधिवेशन हुए थे। और जो हमारा मूल संविधान बनके तैयार हुआ था उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे व 8 अनुसूचियां थी गाइज। ठीक है, और एक लास्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो था, 1952 में हमारे प्रथम आम चुनाव हुए थे गाइज। ये काफी बार इंपोर्टेंट होता है और काफी बार रिपीट भी होता है एग्जाम में, एसएससी रेलवे एग्जाम में तो ये रिपीट होता ही रहता है अक्सर करके। फिर उसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स, पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे, संविधान सभा के प्रारूप सदस्य बनाए गए थे, कहां कहां से इनके लिया गया था, कौन कौन लिए गए थे गाइस, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रारूप समिति के बारे में बता दें कि कब वो बनी, तो कब बनी थी, 29 अगस्त 1947 में, 29 अगस्त 1947 में इसका गठन हुआ था। इसमें मेंबर्स कितने रहे थे, 7 मेंबर्स रहे थे, 7 सदस्य की नियुक्ति की गई थी गाइस। इसमें कितनी नियुक्ति गई थी, 7 सदस्य की नियुक्ति की गई थी। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से 7 सदस्य थे। जो हमारे अध्यक्ष के रूप में चुना गया था इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे हमारे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है और काफी बार एसएससी पूछता है, रेलवे पूछता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे हमारे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप लोग याद रखिए गाइस। बाकी के और भी देख लेते हैं, दूसरे कौन थे हमारे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। तीसरे थे अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अयंगर। चौथे कौन से थे, मोहम्मद सदुल्ला। फिफ्थ थे के एम मुंशी। सिक्स्थ थे एम माधव राव, थे। फिर उनकी जगह किसने ली थी, बी एल मित्तल ने ग्रहण की थी। उनकी जगह किसने की थी, बी एल मित्तल ने, किसने की थी गाइस, बी एल मित्तल ने। काफी बार रिपीट होता है, काफी पूछता है एसएससी एम माधव राव के रिप्लेस करके कौन आया था, तो कौन आया था गाइस, बी एल मित्तल आए थे। लास्ट है हमारा बीपी खेतान, पहले हमारे सदस्य चुने गए थे, इनकी सदस्यता के रूप में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कौन आया था हमारे, टीटी कृष्णमाचारी आए थे। कौन आया था गाइस, टीटी कृष्णमाचारी आए थे, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम लोग, जो संविधान सभा के लिए प्रमुख समितियां बनाई गई कि संविधान तो तैयार हो गया बनके, अब उसको किस तरीके से काम कराना है, कैसे कैसे हम लोगों को लागू करना है भारत के अंदर, किस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट बना के इन्होंने संविधान को लागू करवाया, तो गाइस उन सभी चीजों को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या था। संचालन समिति, जो थे उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे,
पंडित जवाहरलाल नेहरू। गाइस मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये चीजें याद हो जाएं, आप लोगों के माइंड में बैठ जाएं। आप लोग मेरी एक बार वीडियो देख लीजिए, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इसकी पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप लोग वहां पर ज्वाइन कर लें, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड कर लें, SSC उड़ान के नाम से आप टेलीग्राम पर मुझे सर्च करेंगे तुरंत आप लोगों को मेरा चैनल मिल जाएगा, वहां पर आप लोग ऐड कर सकते हैं और वहां आपको मेरी पीडीएफ मिल जाएंगी गाइस। ठीक है, आगे देखते हैं हम। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष चुना गया था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया था? आप लोगों को पता ही है, भीमराव अंबेडकर। इससे पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। कब बनी थी प्रारूप समिति? 29 अगस्त 1947 गाइस, याद रखिये। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन करने थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है हमारा मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के अध्यक्ष कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन बना था मौलिक अधिकार? यहाँ पे गाइस थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मौलिक कर लीजिए आप। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों का अध्यक्ष कौन बना गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था। नेक्स्ट लास्ट है हमारा राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गाइस आगे देख लेते हैं, हमारा क्या पढ़ना है हम लोगों को? संविधान सभा के मुख्य कार्य। संविधान तो बनके तैयार हो गया, अब भारत के बारे में कुछ सोचना था, कुछ अपना एक राष्ट्र चिन्ह बनाना था, राष्ट्र ध्वज को तैयार करना था, एक अपना नेशनल एंथम भी तैयार हुआ था, वहीं से अपना नेशनल सॉन्ग भी तैयार हुआ था, जैसे कि हर देश का होता है, सारे ही देशों का होता है, उसी तरीके से भारत का भी कुछ तैयार करना था। तो गाइस उसके लिए संविधान सभा ने कुछ काम किए, देख लेते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। संविधान ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज स्वीकार किया। संविधान सभा ने क्या किया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को स्वीकार किया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी थे गाइस, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी थे। कौन थे गाइस? जेवी कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। और इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? पेंगली वेकैया ने, पेंगली वेकैया ने। गाइस ये बहुत बार रेलवे SSC एग्जाम में रिपीट होता है गाइस, इसलिए याद रखिए मेरी वीडियोस को। अगर आप लोगों को एक बार नहीं याद हो पा रहा है तो आप लोग दोबारा याद कीजिए गाइस, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, जिससे आप लोगों को याद हो जाए, आप लोगों को मेरी वीडियो दोबारा ना देखना पड़े गाइस। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। सन 1949 में राष्ट्रीय मंडल देशों की सदस्यता स्वीकार की। 1949 में क्या किया था? राष्ट्रीय देश थे जो राष्ट्रीय मंडल देशों की सदस्यता को स्वीकार किया गया था। लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को स्वीकार किया था। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे? भारत के पहले राष्ट्रपति बने गए थे। भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गाइज, याद रखिए। कब बने थे? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है गाइज, हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं नेशनल एंथम के बारे में, राष्ट्रीय गान के बारे में। राष्ट्रीय गान हमारा सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1911 में, 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान हमारा। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में। इसके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर इसके रचयिता है। और ये कहाँ गाया गया था? कलकत्ता अगलेश अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और फैक्ट्स देख लेते हैं थोड़े से। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका से भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। ये याद रखिए कहाँ से प्रकाशित हुआ था, हमने कहाँ से मतलब सबसे ज्यादा पब्लिश हुआ, एकदम फेमस हो गया ये गाना 1912 में। तत्वबोधिनी नामक एक पत्रिका लिखी गई थी, भारत भाग्य विधाता उसका क्या था? शीर्षक था। वहां से ये अपना नेशनल एंथम लोगों को फेमस हो गया, अच्छा लगा और काफी लोगों को इंटरेस्ट भी आया, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको नेशनल एंथम चुन लिया। नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर वर्ष 1919 में राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1990 में अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जिसका क्या शीर्षक था? द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसका शीर्षक क्या चुना गया था? द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। किसने किया था गाइस? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो उन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान तैयार किया था, उसका क्या नाम रखा था इन्होंने? आमर आमर सोनार बंगला, जिसको क्या कहते हैं? आमर सोनार बंगला के रचयिता है कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर।
आगे हम लोग राष्ट्रीय गीत के बारे में पढ़ लेते हैं, नेशनल सॉन्ग के बारे में पढ़ लेते हैं। वंदे मातरम किसने लिखा है? राष्ट्रीय सॉन्ग कौन सा है हमारा? वंदे मातरम, जिसको किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा है गाइस वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। ये सर्वप्रथम कब गाया गया? राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के वार्षिक कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जो हर साल कलकत्ता अधिवेशन होता था वहां पर इसको गाया गया। कब गाया गया? 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं हमारा क्या है राज्य चिन्ह। ठीक है गाइस, आगे हम क्या पढ़ेंगे? राज्य चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल सिंबल के बारे में पढ़ेंगे, कब इसको मान्यता मिली, कब इसको संविधान सभा ने इसको अपनाया। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं भारत का राज्य चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया था गाइस? 26 जनवरी 1950 को भारत का राज्य चिन्ह लिया कहाँ से गया है गाइस? सरनाथ स्थित अशोक की लाट से लिया गया है गाइस। थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है, आप लोग इसको ठीक कर लेंगे अपने आप ही। सरनाथ स्थित, सरनाथ, सरनाथ से लिया गया है। सरनाथ स्थित कहाँ से लिया गया है? अशोक की लाट से लिया गया है। आगे देखते हैं क्या है इसकी निचली पट्टी, जो इसकी निचली पट्टी होती है हमारी निशन सिंबल की, सत्यमेव जयते लिखा होता है उस पर, क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते। वो कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से क्या, कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते, जो हमारे अशोक चिन्ह के नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है गाइस, याद रखेंगे। नेक्स्ट लास्ट है हमारा आज का राष्ट्रीय पंचांग, हमारा नेशनल कैलेंडर किसको चुना गया था? शक संबत चैत्र को हमारा नेशनल कैलेंडर के रूप में चुना गया। इसको स्वीकार कब किया गया? 22 मार्च 1947 को इसको लागू कर दिया गया और इसी दिन इसको स्वीकार भी किया गया था गाइस। याद रखिए, कुछ इंपोर्टेंट मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डेली अपना लेक्चर लेके आ रहा हूं। इंग्लिश का मेरा 11 से 12 के बीच में आता है और पॉलिटी का मेरा 3 से 4 के बीच में आता है। गाइस आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। जो लोग SSC और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो मेरा पॉलिटी का लेक्चर लिखना ना भूले। मैं उनकी GS को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके ले जाऊंगा। जब तक SSC 2018 होगा, आप लोगों की SSC की GS इस तरीके से हो जाएगी कि आप लोगों को कोई नहीं होगा। आप लोगों को मैं पॉलिटी के बाद में ज्योग्राफी कराऊंगा, ज्योग्राफी के बाद में हिस्ट्री कराऊंगा। गाइस आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, पसंद आए तो शेयर भी कीजिए गाइस। आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है गाइस। ठीक है, अगर आप लोग ये मेरा जो मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, इसकी मेरी PDF चाहिए तो गाइस आप लोगों को एक काम करना होगा, मेरे फेसबुक पेज पर जाकर मेरे लाइक करना होगा, मुझे कमेंट करना होगा, जिससे मैं आप लोगों को PDF अपनी प्रोवाइड करा दूँ। अगर आप लोगों को टेलीग्राम अपने अपने मोबाइल में डाल रखा है तो गाइस आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। SSC उड़ान के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है गाइस, आप लोग उससे जुड़ेंगे तो आप लोगों को सारी PDF वहाँ पर ऑलरेडी से मिल जाएंगी। जिससे आप जुड़ेंगे आप लोगों को वहां पे SSC उड़ान पे आप लोगों को मेरी सारी PDF मिल जाएंगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी और पॉलिटी के सारे लेक्चर्स की भी गाइज। ठीक है गाइज, हैव अ नाइस डे, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।